हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। और आज का वीडियो है लुकबुक सीरीज में से, जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं समर्स के लिए कुछ अच्छी अच्छी आउटफिट्स। और ये जो सारी आउटफिट्स हैं इस वीडियो के अंदर, वो हैं अमेज़ॉन से, और सबके जो प्राइस हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर, और आपको परचेजिंग लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है द होप स्टोरी ऑफिशियल। और इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ की हैं यहाँ पे कुछ ट्रेंडी आउटफिट्स। तो वो लोग जो स्ट्रगल करते हैं कि वो एक ही किस्म के जो कपड़े हैं, सिल्वेट्स हैं, हमेशा पहनते रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बड़े सेफ स्टाइल्स हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हो और आप अपने स्टाइल में एक नयापन जो है ना फील करोगे। तो सबसे पहली आउटफिट है ये ऑरेंज कलर का कॉट सेट, और सबसे पहले मैं एडमिट करूंगी कि ये एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है। लाइक जब ये आया तब मैं इसको देखकर ये सोच रही थी कि क्या मैं इसे पहनूंगी, क्या इसे कोई और पसंद करेगा, ये इतना ब्राइट कलर है। लेकिन मैंने ना इसको ट्राई करके देखा और बहुत ज़्यादा जो है ना ये अच्छा लग रहा था। और ये अच्छा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हमारे इंडियन स्किन टोन के ऊपर जितने भी रेड के शेड्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और डेफिनेटली एक ब्राइट आउटफिट है, लेकिन उन दिनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जब आपका मूड जो है थोड़ा डल हो या आपको थोड़ा वाइब्रेंट जो है ना लगना हो। तो इस आउटफिट का जो फैब्रिक है वो है क्रेप फैब्रिक, और क्रेप फैब्रिक की अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉल करता है आपकी बॉडी के ऊपर, बहुत एक सॉफ्टनेस होती है इस फैब्रिक के अंदर, काफ़ी लो मेंटेनेंस ये वाला क्रेप है क्योंकि ये प्योर क्रेप नहीं है, माउस क्रेप की आप इसको फॉर्म कह सकते हो। तो काफ़ी लो मेंटेनेंस रहेगा ये आउटफिट आपके लिए, और इसमें सिंपली आगे जो है बटन्स दिए गए हैं, कॉलर नेकलाइन है और फुल स्लीव्स है जिसको आप रोल अप कर सकते हो। आगे फ्रंट में पॉकेट्स के ऊपर स्टाइल है सिंपल, इसके साथ जो है पैंट्स आती हैं जिसमें पॉकेट्स आपको दी गई हैं, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है। काफ़ी प्रैक्टिकल सा आउटफिट मुझे लगा, और क्योंकि कलर इतना ज़्यादा ब्राइट है तो मैंने यहाँ पर इसको स्टाइल करते वक्त इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि जो मैं एक्सेसरीज का इस्तेमाल करूँ वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना न्यूड हैंडबैग लिया है और न्यूड हील्स को कैरी किया है। और जो नेक्स्ट आउटफिट है वो उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में यकीन नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो इस आउटफिट की ये है कि ये एक प्योर कॉटन मटेरियल फैब्रिक में है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल और एयरी रहेगा आपके लिए इस समर सीजन में। ये कुर्ता सेट बिल्कुल सेम प्रिंट में है, राउंड नेकलाइन है इसकी, और जो लेंथ है इस कुर्ता की वो आपको थाई लेंथ कुर्ता कह सकते हैं। और इसके साथ जो पैंट्स आती है उसमें आगे पीछे इलास्टिक है, काफ़ी कंफर्टेबल सी पैंट्स हैं। और अगर आप ज़्यादातर घर पर रहते हो तो घर पर पहनने के लिए तो ये परफेक्ट आउटफिट है। यहाँ पर मैंने कुछ रॉ एक्सेसरीज को पहना है इस लुक को स्टाइल करते वक्त, और जुत्तीज और एक स्मार्ट हैंडबैग के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है। और लुक को क्रिएट करने के बाद बिल्कुल मुझे लग रहा था कि ऑफिस जाते वक्त भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट आउटफिट है वो भी एक बहुत ही इजी ब्रीजी सा आउटफिट है, लाइक जिसको पहनने के लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और जो कलर है इसका वो है पिंक एंड फ्यूशिया, बहुत ही प्रिटी कलर है। और जो अपर है इस सेट का वो एक शॉर्ट कुर्ती स्टाइल में आएगा जिसको आप अपनी डेनिम्स के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, और राउंड सिंपल इसकी नेकलाइन है, और जो स्लीव्स हैं इसकी वो 3/4 है। आगे कुर्ती में आपको पिन टक्स दिए गए हैं और शेल्स की डिटेलिंग है, और जो पैंट्स हैं उसमें आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, काफ़ी कंफर्टेबल सी ये पैंट्स हैं। लाइक जो इसका बॉटम है स्ट्रेट बॉटम है, ना तो बहुत ज़्यादा लूज बॉटम है और ना ही बहुत ज़्यादा नैरो बॉटम है। और ये भी उन आउटफिट्स में से हैं जिसको आप बिल्कुल एक्सेसरीज की हेल्प से टोन अप एंड टोन डाउन कर सकते हो। मैंने यहां इस लुक को कंप्लीट किया है कुछ शेल ज्वेलरी और जुत्तीज के साथ। और जो नेक्स्ट आउटफिट है वो उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन्हें नॉन मेंटेनेंस फैब्रिक पसंद है, कि बस हम उसे अलमीरा से निकालें और पहनकर रेडी हो जाए, ना तो हमें उसे आयरन करना पड़े और ना ही हमें उसे वॉश करते वक्त बहुत सारी प्रिकॉशंस जो हैं लेनी पड़े। तो ये जो नेक्स्ट आउटफिट है वो है एक सेमी क्रेप फैब्रिक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉन मेंटेनेंस फैब्रिक होता है, तो ईजिली आप उसे घर में ऑफिस में पहन सकते हो।
और आजकल इस किस्म के कॉट सेट्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में हैं, और जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम कॉट सेट्स को कैसे स्टाइल करें, क्योंकि जो कॉट सेट्स हैं वो नाइट सूट की तरह लगने लगते हैं, तो मैं उन्हें ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि जो भी कॉट सेट का अपर वेयर होता है, कोशिश कीजिए कि उसकी सिल्वेट जो होना थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्योंकि बॉटम में तो बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती है, वो तो स्ट्रेट ही आएगा कॉट सेट में। लेकिन अगर आप अपर वेयर के सिल्वेट पे ध्यान दोगे कि वो या तो एसिमेट्रिकल हो या उस पे कोई अलग डिटेलिंग हो, तो उससे जो आपका कॉट सेट है ना, बिल्कुल भी नाइट सूट नहीं लगेगा। और एक्सेसरीज तो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी ही आप जब भी स्टाइल करते हो किसी आउटफिट को। और अगर आप बात करें इस कॉट सेट की, तो ये शर्ट स्टाइल का कॉट सेट है जिसकी जो लेंथ है आगे से कम है और पीछे से ये लॉन्ग है, तो डेफिनेटली ये कॉमन स्टाइल नहीं है। और जो स्लीव्स हैं इसकी वो है 3/4, कॉलर नेक लाइन है और सेम प्रिंट का बॉटम है जो उसके साथ आता है, जिसमें आगे पीछे इलास्टिक है, काफी लूज सा कंफर्टेबल सा बॉटम है जिसमें आपको पॉकेट्स भी जो हैं दी गई हैं। और मैंने यहाँ पर इसको स्टाइल किया है अपनी ब्लैक हाई हील्स और ब्लैक हैंडबैग के साथ। और जो नेक्स्ट कॉट सेट है वो है कॉटन रेयॉन फैब्रिक में, और बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी का कॉटन रेयॉन है जो ब्रांड ने यूज किया है। काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो लाइक जब आप इसे पहनोगे तो बहुत अच्छी फील जो है आपको आएगी। और जो अपर है उसके योग पर फ्रिल की डिटेलिंग है जो आपको दी गई है। ये जो अपर है ये पेपलम स्टाइल में है, और जो बॉटम इसके साथ आता है वो भी सेम फैब्रिक में है, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है, और बहुत ही कंफर्टेबल सा बॉटम है ये। और जो ये फैब्रिक है इसे आप टाई एंड डाई इंडिगो प्रिंट कह सकते हैं। मैंने इस आउटफिट को स्टाइल किया है कुछ जंक ज्वेलरी व्हाइट स्लिपर्स के साथ। काफी प्रैक्टिकल सी लुक है, लाइक आप इसे पहनकर किटी पार्टी में जा सकते हो, इवनिंग पार्टीज के लिए जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, और थोड़ा एक्सेसरीज को अगर कम कर दोगे तो आप इसे बिल्कुल ऑफिस पहनकर भी जा सकते हो। और बात करें अगर घर में पहनने की, तो भी ये बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट है। आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपकी मदद करेगा कुछ Amazon से अच्छी शॉपिंग करने में। और वीडियो आपको कैसा लगा आपको ज़रूर बताना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स ही दिशा देते हैं मेरे चैनल को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो Instagram पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग and keep growing.